2021 में भारत में रहने का मतलब है अपने बच्चों के मुंह से निवाला छीनकर महंगाई डायन को खिला देना। रिसेंटली 39 इकोनॉमिस्ट के हुए एक सर्वे के अनुसार नवंबर माह में भारत में इन्फ्लेशन रेट यानी कि महंगाई की दर 5.1% थी, जो कि अक्टूबर माह के 4.48% से कहीं ज्यादा है। आम लोग जब इस नंबर को सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि कोई बहुत बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन अगर वो अपनी जेब पर ध्यान दे तो ये पाएंगे कि इस छोटी सी बढ़ोतरी ने उनका जीना मुश्किल कर दिया है। एक तरफ पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ एलपीजी के दाम बढ़ रहे हैं, तीसरी तरफ केरोसिन के दाम बढ़ रहे हैं। और अगर आप इन सब बातों को अपनों से कहना चाहते थे, उन्हें मैसेज करना चाहते थे, कॉल करना चाहते थे, तो इस सरकार ने अब वो भी महंगा कर दिया है, क्योंकि टेलीकॉम के दामों में भी इसी माह 20 से 25% तक की वृद्धि हुई है। हम और आप ये बात जानते हैं कि अब अपने बजट के अंदर घर चलाना हमारे लिए बेहद मुश्किल हो गया है। आप चाहे निम्न मध्यम वर्गीय हो चाहे मध्यम वर्गीय हो, आप फिक्स्ड इनकम कमाने वाले लोग हैं, जिसकी वजह से आपकी आमदनी रातों रात नहीं बढ़ सकती है। अगर आपको एरियर्स भी मिल जाए तो भी आपके पास इतना पैसा नहीं बचेगा कि आप अपने होने वाले खर्चों को कंट्रोल कर सकें। और अगर आप निम्न वर्ग से आते हैं या फिर रोज की दिहाड़ी मजदूरी पर अगर आप गुजर बसर करते हैं तो आपके लिए जीवन और भी मुश्किल हो गया है। इन्हीं सब बातों पर सरकार का ध्यान लगाने के लिए, उन्हें बताने के लिए कि इस देश की जनता त्राहिमाम कर रही है, महंगाई हटाओ महारैली का आयोजन दिल्ली में होना तय किया गया था, लेकिन उपराज्यपाल ने अनुमति देने के बाद उस अनुमति को खारिज कर दिया और ये रैली अब जयपुर में हो रही है। लेकिन रैली चाहे जयपुर में हो चाहे दिल्ली में, हम ये बात जानते हैं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल तक देश का प्रत्येक व्यक्ति इस समय पर महंगाई से त्रस्त है। तो आओ, चलो जयपुर, चलो जयपुर, चलो जयपुर, और अपनी आवाज जरूर उठाओ।